ट्रक से 1 क्विंटल 35 किलो अवैध गांजा बरामद, 2 लोग हुए गिरफ्तार। आप सभी का सबसे तेज खबर स्वास्थ्य चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। मुखबिर की सूचना पर रायबरेली की एसओजी और मिल एरिया थाना पुलिस ने एक ट्रक से 1 क्विंटल 35 किलो अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस ट्रक समेत चालक व उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजा, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध गांजा बरामदगी का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार ट्रक चालक परमजीत सिंह अपने ट्रक के केबिन में 1 क्विंटल 35 किलो गांजा छत्तीसगढ़ प्रांत से लादकर लखनऊ बेचने के लिए लेकर जा रहा था। ट्रक जब मिल एरिया थाना क्षेत्र अमावा तिराहा के पास पहुंचा तो पुलिस ने रोककर उसकी तलाशी ली तो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक समेत अवैध गांजा को बरामद कर ट्रक चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। ट्रक के केबिन में 1 क्विंटल 35 किलो अवैध गांजा छिपा कर रखा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया। साथ ही ट्रक चालक तथा एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया। बरामद हुए गांजे की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। 25 लाख रुपए के अवैध गांजे के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है ये लोग ट्रक में गांजा रखकर लखनऊ बेचने के लिए जा रहे थे, लेकिन रायबरेली में ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए और भारी मात्रा में यहां पर अवैध गांजा बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ये बड़ी व अहम खबर, जहाँ पर भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर, आज ये जो खुलासा हो रहा है, क्या है? देखें, हमारे जनपद के सर्विलांस टीम को और स्वाट टीम को तथा मिल एरिया थाने की स्थानीय पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना, कुछ इनपुट मिला हुआ था कि एक ट्रक आ रही है जो आजमगढ़ की तरफ से आ रही है और पंजाब साइड जाएगी। उसमें कुछ अवैध नारकोटिक्स पदार्थ रखे हुए हैं, गांजा वगैरह। इस सूचना पर हमारी टीम लगी हुई थी और जैसे ही रायबरेली शहर में अमावा के पास ये ट्रक पहुंची, हमारी टीम जो पहले से इनको रेकी करके प्रयास कर रहे थे पकड़ने के लिए, उनको पकड़े और जब चेक किया गया तो उनके केबिन में करीब 1 क्विंटल 35 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। ये ट्रक पंजाब का है। ट्रक का नंबर है UPB 13BM 5277 और इसके चालक हैं परमजीत सिंह और इसमें जो एक लोग और बैठे हुए थे जो सहायक का काम कर रहे थे, सतीश यादव। विधिवत जब चेकिंग हुई तो ये बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और नशा मुक्ति अभियान के क्रम में जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। अभियोग पंजीकृत करके इसके और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज देखे जा रहे हैं। इसमें अन्य अभियुक्तों का भी देखा जाएगा और जो भी प्रकाश में आएगा उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।